हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका संगीता मेरा चैनल पे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हो चुके हैं मॉर्निंग और चाय मेरी आ चुकी है, तो मैंने जस्ट किया है ब्रश। अब चलते हैं किचन में, चाय ले लेते हैं अपनी। चाय आ चुकी थी, चाय हो गई थी ठंडी, तो मैंने दोबारा गर्म की है। चलो इसे छान लेते हैं, इससे पहले पी लेते हैं थोड़ा सा पानी। गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। क्या खाने जा रहे भैया? बक। हाँ, बनाना। चलिए चलिए अंदर चलिए। सो यहाँ मैं पी लेती हूँ अपनी चाय। और आपका वो तो लगा ही हुआ है बेटा, आई कैप। चलो लगा लो। अनाया खा रही है गोवा और आ चुके हैं अन्नू भैया। बस हम लोग की तैयारी होने वाली है। अन्नू भैया चोरी से चाय पी रहे। कहाँ और नहीं तो क्या, खूब मस्ती करी। इधर कुछ ऐसा है मौसम, बढ़िया सा। बस गाड़ी साफ होने जा रही है और निकलेंगे हम लोग। सो यहाँ पर ये दादा कर रहे हैं अपना काम। ये बहुत ही काइंड है, सच बता रही हूँ, बहुत मेहनती भी है। इधर मैंने कुछ कर ली पेट पूजा, क्योंकि मुझे निकलना था, तो मैंने कुछ खा पी लिया जल्दी जल्दी से। जो मैं से खाना आया था, आलू सोए की सब्जी थी, दाल चावल रोटी मैंने नहीं खाई, मुझे कम पसंद भी है थोड़ा सा, तो जल्दी जल्दी मैंने कुछ बहुत खा लिया था। और इधर अन्नू भैया को मैंने खाना दे दिया था, वो खाना खा चुके थे, क्योंकि वो सुबह ही अपने घर से चले थे। तो हमारे यहाँ आने तक की पता नहीं मुझे उन्होंने खाया नहीं खाया, तो मैंने उनको खाना दिया, चाय दी। और इधर मैं लग गई पैक करने में अपना। कपड़े तो मैंने कल ही पैक कर लिए थे, लेकिन ये जो ब्लैंकेट था हम यूज़ कर रहे थे। अभी अनाया के पापा तो अकेले रह जाएंगे, तो हम ये बैग पैक करके रख देते हैं और बाकी बेड भी अपना मैनेज कर देते हैं, ताकि अगर हस्बैंड आए तो उन्हें कुछ करना ना पड़े, उन्हें रूम देख के अच्छा भी लगे कि हाँ सारी चीज़ें अरेंज रखी हुई हैं। तो देखिए कितने सारे बैग हमारे पीछे लाइन से लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ इसमें रखा ही हुआ है। तो पहले मैं अपने ब्लैंकेट जो है तहा के रख देती हूँ, उसके बाद मैं अभी करूँगी बेडशीट भी ठीक। इसको मैं रख देती हूँ दूसरे रूम में, जहाँ पर भी और भी बैग बैगेजेस हमारे रखे हुए हैं, रख दिए भर के सारे जो भी कपड़े उपड़े थे। इधर दादा जो जल्दी जल्दी से मैंने गौर किए थे और वो बच गए थे, हस्बैंड जी के पास भी टाइम नहीं था। और जो मैंने बचा था ना, मैं सुबह खाया था, आधा मैं खा पाई थी, बाकी नहीं खा पाई थी। तो अमरूद मुझे बहुत पसंद है, मैंने गाड़ी में खाऊंगी। और इधर मैंने कहा बेडशीट भी थोड़ा सा मैं अच्छे से बिछा के रख देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी के पास तो वैसे भी नहीं टाइम है बिल्कुल भी। उनके पास खाने तक की तो फुर्सत रहती नहीं, इतना वर्क लोड रहता है, सच बता रही हूँ। हम लोग अगर दो दिन भी ऐसी लाइफस्टाइल जी लेना तो नहीं कर पाएंगे मैनेज, मतलब प्रॉपरली नींद ना लेना, और बहुत भाई स्ट्रेस भी रहता है। तो भाई मुझे तो लगता है कि ज़्यादा बड़े पोस्ट क्या कहें, मतलब छोटी पोस्ट पर रहिए, वही बेटर रहता है आपके लिए। स्ट्रेस तो कम से कम कम रहता है। देखने में सबको लगता है लाइफ बहुत ही रॉयल है, अच्छी है, और ये वो टशन है दुनिया भर का, लेकिन इसके पीछे की जो बैक की लाइफ होती है ना, जो लाइफ स्टाइल डे का हो जाता है, वो आप लोग सच बता रही हूँ टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो सफ़र करते ही करते हैं, वो तो झेलते हैं। और अभी हमारा टाइम हो गया है निकलने का, तो
लगा देते हैं। हम हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, सारी लाइट्स और फैंस हमने बंद कर दी है, पूरी तरीके से छोड़ दिया है हमने, काम भी समाप्त है। हस्बैंड है थाने पे, मैं इधर घर पे थी तो घर करा लिया जाएंगे, साफ सुथरा घर, पास इतना भी नहीं टाइम था कि वो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा सामान मैंने चला दिया था, वो बंद कर दिया। ये हमारा बाहर गाड़ी और सामान भी बच गया है, तो पता नहीं कैसे गाड़ी परात में जानी है, सारा सामान लगा चुके हैं। अनाया भी जाके बैठ गई है गाड़ी में। अनु भैया वो अनु भैया ये रही है, अनाया जा रही है, जल्दी करिए। अच्छा अभी अनु भैया सामान ही ले गए थे यार, अभी तो वो गाड़ी साफ कर रहे थे, बस लेके मैं बैठ जाऊंगी। अनाया अपना केवल लेके चली गई है, जा रही है गाड़ी ना बिल्कुल चक्का चक्का। यूट्यूब पे भी कह रही थी जल्दी करो जल्दी करो, लेट हो रहा है। अभी अनाया भी आगे पीछे लगी हुई है, नु भैया के बिकॉज ही सो के रियली। तो अभी हमारा सामान धीरे धीरे करके जा रहा है गाड़ी में रखने के लिए, और अनाया डॉल के बिना तो अनाया छूना ही एक दिन ये लड़की अनाया की नींद डॉल के बिना नहीं सो सकती, हो सकती है इस डॉल के बिना सो सकते हो। तो अनाया अपना बैग, मम्मा भी चाहिए डॉली भी चाहिए, हां तो कह यार तुमने फिर खराब कर लिया, कैप लगा लो, कह रही नहीं मुझे घर लाइट वगैरह सब ऑफ कर दी है हमने, हम जा रहे हैं। पोछा लगाता तो फैन भी ऑफ कर देते हैं, अब लाइट वगैरह ऑफ करने के बाद अनाया के पापा से मिलते हुए निकल जाएंगे। अब बस उल्टी गिनती शुरू होती, कब पहुंची अपने वर्क प्लेस पे जल्दी से। तो टाटा बाय बाय, बस अब हम बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं अनाया के पापा से मिलते हुए, निकलेंगे हम लोग। ओके बस निकल चल कर चलते हैं, मिला देते हैं अनाया को अनाया के पापा से और फिर चलते हैं, है ना। यस अनाया ने अनाया आई है पापा से मिलने, पापा क्या क्या खा जाना है की वाटर वाटर रह गई थी, और अनाया के पापा उनके लिए चॉकलेट लाए थे तो चॉकलेट ले ली अनाया ने। क्या मिल गया? और मेरे लिए एक बड़ी वाली, आपके लिए छोटी वाली, अनाया के लिए दे चुकी वो हमको, दे देना बेटा। झूठ ना बोलो, उसी के लिए है सारा। नहीं नहीं उसी हाँ। आधी आप भी ले सकते तो बोले पहले बोले आधी दे देना मम्मा को, ये वैल्यू होती है बच्चों के आने के बाद लाइफ में। ये देखो ये देखो। वो भी भाव नहीं दे रही है। चलो अच्छा हमें लेट हो रहा है, हम निकलेंगे। फाइनली अब टाइम हो गया है अनाया के पापा को बाय बाय करने का, अनाया ने खिलाया चिप्स पापा को। बस अब हमारी गाड़ी बढ़ने वाली है, अनाया के पापा की बातें अनाया से खत्म ही नहीं हो रही हैं। टेक केयर, शुरू होता है सफर, पापा से अनाया मिल रही है और अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि कल मुझे जाना है स्कूल, अनाया के तो स्कूल बंद है। लेकिन भाई ये टीचर तो इंसान होते ही नहीं, उन्हें ठंड लगती ही नहीं है, तो भाई जो आदेश सरकार का, यस इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, हमें तो जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। मैं आ गई हूँ अपने फ्रेंड संध्या के घर, ये रहे हमारे राजा और ये रही अनाया मस्ती में। संध्या बोली है वेट करो हम थोड़ी देर में आते हैं, उस बाहर काम था तो वो गई है बाहर, तो इस समय हम मौजूद हैं घर पे। घर पे हम अकेले नहीं आए हैं, राजा की मैम साथ में कंपनी देने के लिए। गुड आफ्टरनून। हाँ मेरे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, कल मैंने ब्लॉग में नहीं डाला था, कल हो गया था, आज ये राजा की मैम है, बहुत भाई सपोर्ट करती है। ये क्या है पता चल रहा है? गन, गन बनाया ये राजा जी ने बनाई है, दिव्यांशु ने बनाई है, क्योंकि मैम बहुत भाई क्यूट है और किसी से मैनेज नहीं होते राजा सिवाय अपनी मैम के। अगर राजा शैतानी कर रहे होते तो वीडियो कॉल जाता है मैम के पास में, मैम कुछ भी बोलती हैं बस राजा जो है शांत हो जाते हैं। हाँ जी ये है हमारी चाय, आपको नहीं लेंगे धर्मेश भैया, हमारे बड़े साई नेचर के वो नहीं आ राजा, तो हम और मैम चाय पियेंगे अब। हाँ। आ गए हमारे दिव्यांशु, क्लास ओवर हो गई, स्कूल गए थे क्या? स्कूल गए थे क्या ड्रेस पहने हो? ब्लेसिंग। अच्छा ऑनलाइन क्लास, ओ माय गॉड। आ गए हैं हमारे विवेक भैया, हम पहले से मैं और मेरी प्यारी संध्या, ब्लेसिंग ब्लेसिंग टूट पड़ो पैरों में है। आज जो है महाबारा मेरी संध्या, आज वेलकम हमने संध्या के घर में किया है, संध्या का है ना। आ जाओ चाय आ गई है,
आ जाओ चाय। और नहीं तो क्या, आपके लिए नहीं है यहाँ दो कप है सिर्फ। मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन नमकीन तो खा सकता हूँ। हाँ नमकीन नहीं पिएंगे सर जी, तो कॉफी पीते ना बॉडी। ओ ये भाई कॉफी लवर है भैया, ये कहाँ पिएंगे चाय, चाय या मामा संध्या पिएंगे। हो गया काम, चलो सही है, लो चाय पी लो भैया, नमकीन ले लो सारी आप संध्या। भैया भैया लो चाय। मौसी लखनऊ हमारी है। हाँ, सब नहीं मेरा है, सबका एक ही जैसा। हाँ, नहीं लेंगे लेकिन यही चाय छिनावे पड़े। नहीं अब हैबिट डाल रहा हूँ धीरे धीरे, अम्मी को वीडियोग्राफी करनी पड़ती है इसलिए अभी से आदत में डाल रहा हूँ, सीख रहा हूँ कि लास्ट तक यही मिले। भाई आपको अच्छी पनीर खानी है तो यहाँ आए। मैं बिल्कुल, देखिए देखिए इसका टेक्सचर कितना बहुत बहुत अनाया को पसंद आया है भाई। टिफिन में पैक कर दे, वहाँ जाके खा लेना। अरे भैया रहने दो, हम निकल लिए हैं, खाया तो खाया, पैक करके भी हमको खाना मिलना है क्योंकि अनाया को पनीर पसंद है, तो आंटी ने दे दी है पनीर की सब्जी। अरे अम्मा से तो बाय कर ले दो, अम्मा चल रहे फिर आएंगे, हैं फिर आएंगे, ठीक है ओके अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। नमस्ते अम्मा। अनाया नमस्ते का क्या, दादी से आ जाओ, नमस्ते का क्या, बस आजकल क्या है। हाँ चलो छोड़ो आजकल प्यारे जी, आजकल छोड़ो 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 छोड़ो। ओ मेरा भैया क्यूट सा आजकल, आओ ना, यू वांट टू टच, तो फिर आ जाओ अगर हैंड वॉश नहीं करने, आ जाओ आ जाओ। बस अब हम चलते हैं भैया, आप मिलेंगे पता नहीं कब, नहीं पता, हो सकता है जल्दी मिले, और यहाँ बार बार आने का रीजन कुछ देर बाद पता चलेगा। फोन की बात कर रहा हूँ मैं, होशियार देखो, देख लो देख लो, मतलब आप तो ना बोलो। बाय विवेक भैया, बिल्कुल बाय बाय। हम आपको तो ना, लेकिन हमको करेजा बैठ जाएगा हमारा, फोन ले लेंगे तो दो तीन मिनट तनख्वाह ना लो। हाँ बस खबर मिल जाएगा तुमको 3 मिनट। हाँ बाय बाय कर लो आंटी से, अब हमें छुट्टी ना है, आप गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करिए। हाँ बाय संध्या, चलो। सो फ्रेंड के घर से निकलते हुए अब चल रहे फाइनली अपने घर हम लोग। सो बाबू गई है, सो इतना लंबा सफर रहता है ना, सच बता रही हूँ मैं तो बैठे बैठे थक जाती हूँ, लेकिन अनाया भरपूर नींद लेती है। और इधर मुझे याद आ गए अपने अमरूद जो मैं कट करके लाई थी इससे पहले कि वो ख़राब होते, मैंने इनको खाना कर दिया स्टार्ट। और सफ़र में ना अच्छा भी लगता है, कुछ फ्रेशनेस भी आती है, तो मैं अमरूद खाते हुए चल रही हूँ अपनी सफ़र पर। बाबू जग गया है, लेकिन अभी ये निकलेगा नहीं घोंसले से है ना। हाँ बाबू नहीं निकलेगा घोंसले से, भैया सोता रहेगा, कई बजे आएगा। यस मौसम कितना ठंडा है देखिए, इसमें निशान तक बने जा रहे हैं ये देखिए, और दोपहर में भी जो है कोहरा छाया हुआ है। बाबू भी जग गया है। यस मेरे लाल टमाटर, बच्चा देना। ठंड का ये आलम है कि यहाँ पर लग रहा है 5 बजे से रात हो गई हो, 5 बजे से ही गाड़ियों में देखे लाइट जल रही है। घर पहुंचते पहुंचते हमें हो गई है रात, बस हम पहुंच गए हैं अपने घर। सो पहुंच चुके हैं हम घर, भैया सामान उतार रहे हैं। छुटकी जी इधर आइए, क्या हाल है? ठीक हाल है, आपके कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, हम आए और छुटकी आ गई है, बस छुटकी अपने काम पे चलो है। हाँ हालांकि हो गया लेट, अब मैं बना रही हूँ सामान की लिस्ट ताकि अन्नू भैया सामान देते हुए निकल जाए। सो ब्लॉग को यहीं पे एंड अप करते, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग लाइक गाइस, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट एवरीवन।